अब हम बैठ गए गाड़ी में और हम जा रहे हैं अपने नानी के यहाँ, और मौसा जी वगैरह सब साथ में हमारे। वहाँ मैंने बता दिया तैयार हो। अच्छा सही है सही। बाकी सारे फेंक लगे फेंक मुझको फेंक लगे दूर दूर से ठीक आसाओ तो सेक लगे। इसके अंदर गहरी नहर है क्या? नहीं यहाँ से तो गहरी नहीं है, आगे से गहरी है। गांव का वैसे ना अपने मजा है वैसे। नहीं इन्होंने देखो कितना अच्छा बना रखा है, ऐसा दिल्ली में भी नहीं बने। देखिए कितना अच्छा बना रखा है। तो ये हमारे जीजा का क्या है, मामा के घर ननिहाल जो भी है। उनके पांच मामा रहते हैं। पांच मामा रहते हैं तो सारे एक ही जगह रहते हैं ये अलग अलग। यहाँ भी खूब अच्छी कोठियां बनी हुई दिखा, इधर से देख। हाँ, अब तो गांव क्या है शहर की तरह। ये पूरा बुग्गी आ रही है, बुग्गी का बुग्गी को दिखाया। तो देखिए गांव की बुग्गी है और इसमें क्या गोबर गोबर ले रखा है यार। चलो किधर जाना है, चलो कहीं भी चलो, गिर मत जाना। मेरे जीजू का गांव है और ये जीजू ने एक भैंस खरीदी है, कटकी है, कैसे क्या कहते सारे सगे भाई और एक चाचा का लड़का था, पांच है। अच्छा वो उल्टे जा रहे थे, बिल्कुल बाहर ही है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ सरसों के पेड़, ये देखिए। क्या कहते हैं खेत हाँ, अच्छा लग रहा था, हरियाली लग रही है एकदम। मैं आई इसीलिए थी क्योंकि मुझे ये देखने थे हरियाली। इस टाइम ना सरसों बहुत अच्छी हो रही है। ये पता है इससे से निकलता है सरसों का तेल, क्या रहा है ना। तो एक दिन किससे निकलता है, यही होता है वो, पता तभी तो ये बोई जाती है। अब ये तेल निकलेगा इसका। हाँ ऐसे निकलेगा, निचोड़ा जाता है। अरे तो सूख पहले बिल्कुल सूखेगा तब निचोड़ा जाएगा। इनमें बीज है वो सूखेंगे तब इनमें बीज बनेंगे, पहले फूलों से नहीं निकलेगा। वैक्स भी तो निकलती है। अभी ये मैं अपनी नानी के गांव नहीं पहुंची है, मेरे जीजा का गांव है, उनका ननिहाल है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो पीछे सरसों के पेड़ है। और क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा जा रही हूँ बाहर की तरफ। युग युग मेरे साथ है। युग कहाँ पर हो तुम, तुम्हें भी दिखना चाहिए ना। ये रहा युग, युग को मैं लेके आई हूँ। युग बोर रहता है घर पे, है ना। नमस्ते। बड़ी वाली दीदी है ना, उनकी बहन है ये कविता। छुट्टी ना मिली उन्हें, वो मुझे लग रहा है उसको तो तबीयत ही खराब हो गई शायद, बुखार हो गया। बुखार हो गया तो ये मामी है क्या, जीजो की माँ है, मामी हो क्या? नहीं तो बहन लगे। अच्छा बहन लगते उनकी। अच्छा देखो गांव में देखो मतलब धुआं निकल रहा है, वहाँ इतनी ठंड नहीं है। युग वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, देख यहाँ पे देख क्या हो रहा है। ये धुआं तू निकाल, कैसा लग रहा है, एंजॉय तो कर ले कर ले। मास्क तो हटा ले थोड़ा, शर्माता है। दर्ज को भी ले आती है, फिर मैं इसलिए लाए, पापा अकेले रह जाते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि ध्यान नहीं है, मेरे को तो ये पता है मम्मी थी, भाभी आई थी, और तो कोई था नहीं। कह रही है ए बना ले बेटा, मामी मामी का बना लो। ये मामी है, जीजा की मामी है ये। मामी जी शक्ल तो दिखा दो, जीजा देख लेंगे। अरे वो क्या नाम है, क्या नाम है, तो नाम भूल गई यार। संदीप है वो, ये उनको बोल रहे हैं संदीप भाई साहब जीजा, संदीप जीजा भूल गई यहाँ की नाम भूल गई यार। मैं तो सोची उनको नहीं जानती, संदीप वो इनके जीजा लगते हैं, संदीप हमारे पापा आपके जीजा लगते हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो उनको बोल रहे हैं।
पे सारी एजिड एजिड मामी है। तो क्या हंसी आ रही है यार, मैं तो मामी उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा मामी नमस्ते यार। बड़ी मेहनत का काम है सर्दी में, देखो चूल्हे पर रोटी बनाना। ये तो होता है, चिवाड़ तो ताप के ना करते रहे। हाँ ये तो है, खैर पर परेशान हो रही थी आप फालतू में। हाँ कोई बात ना, वो भी हाँ की छात बोली, बैठ जाओ। बल्कि बैठ के दो बातें करनी चाहिए थी। अपने आप को भी दिखा लो भाई। हम जगह जगह घूम रहे हैं अभी, यहाँ पे पांच मामा हैं इनके, तो पांचों के घर जाना है, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह बैठ रहे हैं अभी। तो हम गली के अंदर हैं, पता नहीं किधर है, देखते कहाँ पर है। ये गाड़ी, ये कौन है? गाड़ी नहीं है, गाड़ी में बैठे हैं। और कौन है? पता नहीं। और कोई भी है क्या? है? कोई और है। अच्छा मैं कह रही गाड़ी किसकी है। अच्छा मैं तुझे अच्छे से पैक करके लाई हूँ, ठंड तो नहीं लग रही होगी तुझे? लग रही है, शिमला में भी लग रही। चाय तो उधर भी पीती, पर यहाँ भी बना ली इन्होंने, मुझे पकड़ लिया। ये भी जीजा के मामा है हमारे, संदीप जीजा के मामा। मामा नमस्ते। नमस्ते। दिल्ली भेज देगी। वहाँ चाय पी ली है मौसा जी? यहाँ भी बना ली इन्होंने पकड़। अच्छा यहाँ भी बना ली, चलो उधर भी मिल के आए, चलो देख के आते हैं। और इसको क्या कहते हैं यार, मैं तो भूल गई। हाँ याद आ गया, ऑटोमेटिक नहीं है ये, पकड़ के मेरे ख्याल से इसको घुमाते हैं। इसको घुमा रहा है तू, आगे को घुमा। हाँ इस तरह, और हाथ मत कर दियो उधर, कुछ गलती से भी कट जाएगा नहीं। हाँ देख कट रहा है ना। तो ये गाय के लिए ना ऐसी मशीन से चार कटता है, इन्हीं वाली। आ जा, अभी फिलहाल तो हम अपने जीजा के क्या कहते हैं ननिहाल में घूम रहे हैं, बहुत सारे मामा जी इनके। अच्छा चूल्हे पे सेक रही हैं ये। हाँ सही है। अच्छा मामी है, चलो मामी जी नमस्ते। सबके घर आसपास में ही है ना? हाँ गीता को है। वैसे ये अच्छी बात है कि मतलब सब एक साथ भी है ना, जरा जरा से जो हाँ। दो बहू तो हमारे वहाँ रहे मैं। अच्छा बड़े भगत जिनके तो उल्लम कोई हथकाँ है। और दो ही और है मैं। अच्छा चार है। चार पर ये है कि सब आसपास में ना। हाँ, तो सही है मतलब। हम चार की ही फड़ में नहीं जगह है अभी। अच्छा सब तो बड़े की भगत जी की ना। हाँ, हाँ। हमारे साग इंद्रजीत को। ये कौन है? ये बहू है? हाँ। अच्छा सबकी बहुए हैं। जाड़ा तो वहाँ भी लगेगा जहाँ हम जाएंगे, गाँव ही तो है वो भी। सही वहाँ वो ही तो कह, मैं तो लेके आई कपड़े, और मेरे को अगर लग गया ना मैं तो जिसके ऊपर और जर्सी ठूस लूंगी। जो बड़े वाले भाई साहब है ना उनकी शादी आ जाइयो। अच्छी है ये, उनके इनके लड़का है वो, पीछे वो मेरा बेटा है। वैसे उनका मन था आने का, वो कविता की वजह से नहीं आए। हाँ ऐसा था ना, एक तो वो बीमार हो गई बहन मेरी। गाँव के अंदर एक कुआ है, और ये कुआ कह रहे बहुत ज्यादा डीपली है। कहाँ डीपली है? कहाँ गहरा है ये? काफी फीट गहरा है नीचे। वो तो कूदने पे पता चलेगा। हैं 25 फीट नीचे गहरा है ये, अभी तो ये नाला सा नजर आ रहा है। काफी पुराना। और ये यहाँ का बता रहे प्राचीन मंदिर है। क्या लेने आते हैं? दूर दूर से बहुत। अच्छा तो यहाँ के देखिए प्राचीन मंदिर बता रहे हैं उसको। बता रहे ये, बता रहे इनको भी ले लूं, ये बता रहे प्राचीन मंदिर है। अच्छा चलो युग छू लो आप। हाँ छू लो, ऐसे छू लो ना, खोल क्यों रहा है, छू ले। अरे यूं करके छू ले, खजाना हो सकता है ना। ये बच्चे ना आजकल के बकवास ज्यादा करते हैं। छुए रहते थे पहले कुएं में, अब नहीं है। अरे आने जरा खेतों में, खेतों के चारों तरफ क्या लगा रखा है। अभी मैं पीछे यहाँ सरसों के खेतों में गई थी, और बच्चे दोनों मेरे आगे चले गए। दोनों कह रही है कि बच्चा आया, दूसरा तो मेरे जीजा के भाई है। मुझे क्या पता, मैं तो मना कर रहा। क्या कर रहा है ये? तो यहाँ पे आके पूरे वो कर रहा है। क्या है ये फावड़ा है? कर लो खेती, कर लो। है एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा पुराना। तेरा कौन सा एक्सपीरियंस है? इसे ले जाए। ओए ना काटे।
काम लगे डॉगी भाग लिया। बुलाओ इसको, बुलाओ इधर को। कहीं पे छोटे हो गए ना वो लेना दीदी। छोटा हाँ तो छोटा सा लूंगी बिल्कुल, जो भी आ जाती है ना। हाँ। तू ले ले अपनी गोद में। हाँ 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 अबे कैसे लगा? अच्छा है। देखो 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 कैसे भाग रहे जैकी। जैकी गाइस मैंने नया डॉगी लिया। ओए जैकी 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 ये क्या प्यार दिखा रहे साल जाओगे? हाँ मैं जाऊंगी अपनी नानी के घर। और मामी ने तो हमारी ना अच्छे से पेट पूजा कर दी, इतना टेस्टी बनाया खाना, इतना टेस्टी। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल नहीं भरा मैं और खा सकती हूँ, बट इसलिए नहीं खा रही मैं क्योंकि गाड़ी में बैठेंगे, उल्टी तो नाम है आती है और लग भी गई थी, इसलिए मैंने कम खाया थोड़ा, नहीं तो मैं और खाती। अच्छा बहुत टेस्टी बनाया। अच्छा खा लिया तो थोड़ा सा खाने को तो खा ही लेने की हाँ, वो उसको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, नहीं तो उसका मन था आने का। हाँ काफी दिन सुना है तो हाँ आ जाएगी। मैं भी उसको कॉल करूंगी, उसको बुखार चढ़ गया वही ना परेशान कर दिया वैसे। तो कह भी रहे थे, कह रहे कि ना तू उनसे बोलेगी ना मौसा जी से तो वो सीधा दे दो छोड़ के भी आएंगे। मैंने कहा नहीं मैं अब तुम्हारा घर देख के आऊंगी कहाँ पर है ननिहाल। जीजा कहे थे अगर तू बोलेगी ना तो वो सीधा भी छोड़ आएंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं अब मैं देख के आऊंगी। यो सारा खा लेना मटर सिलेंडर फटे नहीं फटे लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और ये बेचारे देखो लड़के ऊपर नीचे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आग बुझा रहे हैं। इनको ये हादसा ना हो जाए। हाँ इसी चक्कर में एम्बुलेंस भी आई हुई है, फायर ब्रिगेड भी आई है, यूपी पुलिस भी आई हुई है यहाँ पे, और देख सकते हैं आसपास के लोग मदद भी कर रहे हैं। तो मामा के गाँव में हमारी एंट्री हो गई है। मतलब मुझे मैं पता देखती आ रही ध्यान से, मेरे को लग रहा है कि पुल पे तो हम आ रहे, पिछली बार सिंगाड़े वहीं से लिए थे हमने याद है पुल पे, पुल के होते ना उधर की तरफ। हाँ तो उधर उनका भी है ना। तो हम पहुंच गए मामा के घर, अभी रास्ते में मतलब यहीं पे ये पास में ही है उनका घर।